सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे JIIT नोएडा, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा की। तो JIIT नोएडा हमारे नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें आज के डेट में हमें दो कैंपसेस देखने को मिल जाते हैं, JIIT नोएडा सेक्टर 62 और JIIT नोएडा सेक्टर 128। इन दोनों ही कैंपसेस के बारे में आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। फिलहाल बात कर ले NRF रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 101 से 150 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू तो आज की इस वीडियो में, सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले तो आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि JIIT नोएडा सेक्टर 62 और सेक्टर 128 दोनों ही कैंपसेस के कंबाइंड प्लेसमेंट्स होते हैं। किस प्रकार से होते हैं हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात कर लें तो हमारे पास NRF 2024 का डेटा है, जिसमें 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो 2023 में टोटल 906 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 751 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस NRF डेटा के हिसाब से टोटल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 83% बन जाता है। वहीं सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 2023 का 8.5 LPA रहा। इसके अलावा कुछ और हमारे पास प्लेसमेंट डिटेल्स ऑफिशियली इन्होंने अपने वेबसाइट पर रिलीज कर रखे हैं, जिसके हिसाब से अगर बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो हमें 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 99%, IT में 98% और बायोटेक्नोलॉजी में 78%। ओवरऑल इनका 98% का प्लेसमेंट परसेंटेज इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर बता रखा है 2023 बैच के लिए ही। तो हमें NIRF की रिपोर्ट में 83% क्यों दिखा और यहां पर 98% क्यों दिख रहा है? क्योंकि NIRF की रिपोर्ट में हम कैलकुलेट करते हैं कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला अपॉन कितने स्टूडेंट्स टोटल बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। लेकिन जब इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करती है, तब ये कैलकुलेट होता है कि कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला अपॉन कितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। और ये प्लेसमेंट का एलिजिबल डेटा काफी कम होता है आपके टोटल नंबर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल ही नहीं होते हैं। जो एलिजिबल भी होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो हमारा इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करता है उसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ जाता है। फिलहाल अगर बात कर लें कि एवरेज पैकेज क्या कुछ मिला, वो तो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाईएस्ट सीटीसी इन्होंने बता रखा है 2023 में 82.89 LPA का, और वहीं पर एक ऑफर मिला था और सेकेंड हाईएस्ट था 55.38 LPA का। तीन ऑफर्स था हमारे पास, पहला ऑफर अटलासियन की तरफ से था और दूसरा जो तीन ऑफर था सेकेंड हाईएस्ट, ये अडोबी की तरफ से हमें देखने को मिला था। 2022 में एक ऑफर मिला था अमेजॉन की तरफ से 1.15 करोड़ का, और एक ऑफर मिला था अगेन अमेजॉन की तरफ से 1.05 करोड़ का। इसके अलावा हमारे पास 2022 का एवरेज पैकेज का भी डिटेल है, जो कि 11.01 LPA रहा सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। इसी के साथ कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पे हमें 2023 का ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है एवरेज पैकेज को लेकर, जिसमें बीटेक सीएससी 13.28 LPA बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 9.12 LPA, IT में 10.45 LPA और बायोटेक्नोलॉजी में 4.71 LPA। लेकिन कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पे जो हमारे पास डेटा है, इसका मैंने कहीं वेरिफिकेशन करने के लिए और कोई डेटा मिला नहीं, तो इनका डेटा कितना ट्रस्टवर्दी है इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। हमें बस जो डेटा मिला, कहां किस चीज का सोर्स था, सारी चीजें मैंने बता दी, उस हिसाब से आप खुद जज कर सकते हो किस डेटा के ऊपर कितना रिलाई करना है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो तरीके से हमें एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलता है, या तो आप जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हो या फिर क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन देखने को मिलता है। इन दोनों ही आप या तो क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर या फिर जेईई मेन रैंक के बेसिस पर आप इनके खुद के इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होते हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तो सबसे पहले हमारे पास जेईई मेन 2023 के जेईई मेन लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, जिसमें देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 65,607 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख पा रहे हो। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले अपने क्लास 12th परसेंटेज के बेसिस पर भी, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 95.33% पर और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर का डेटा देख रहे हो, ये आपका एकेडमिक फी कोर्स का पैसा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए हर साल में कितना खर्चा हो रहा होगा। अगर बीटेक कर रहे हो तो पहले 4 साल का जोड़ लीजिए, और अगर साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एमटेक डुअल डिग्री भी कर रहे हो तो पूरे 5 साल का जोड़ लीजिए। कितना टोटल होता है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हॉस्टल प्लस मेस फी की बात कर लें, तो पर सेमेस्टर 1,00,000 रुपए में देखने को मिलता है हॉस्टल, मेस, लॉन्ड्री सभी चीजें जोड़कर, यानी कि पर ईयर हॉस्टल प्लस मेस का आपका 2,00,000 रुपए खर्चा पड़ेगा। तो इन टोटल अगर इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सारी चीजें जोड़ लेते हैं
उस केस में अगर आप 4 साल का बीटेक डिग्री कर रहे हो उस केस में 22.5 लाख रुपए आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर बन रहा होगा। वहीं अगर 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कर रहे हो उस केस में आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 5 साल में 28.5 लाख रुपया लग रहा होगा। हमें अगर बात कर ले, कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि जितना हमसे हॉस्टल फैसिलिटीज जो सारी चीजें दी जा रही है वो उतनी नहीं है जितना हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो आस पास में आपको आधे रेट पे पीजी और रेंटेड रूम भी देखने को मिल जा रहा होगा। अगर खासकर सेक्टर 62 कैंपस की बात कर ले तो अगर पीजी या फिर रेंटेड रूम लेते हो तो जो मैंने टोटल फी बताया उस हिसाब से उसमें से आप हॉस्टल प्लस मेस फी डिडक्ट कर सकते हो, जो कि आपका 4 साल का टोटल 8 लाख रुपया बन रहा और 5 साल के अंदर टोटल 10 लाख रुपया बन रहा था हॉस्टल प्लस मेस। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा JIIT नोएडा, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में। इनके 2 कैंपसेज देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही कैंपसेज के बीच में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। आपका सेक्टर 62 कैंपस बिल्कुल काफी ज्यादा सिटी से काफी क्लोज लोकेटेड है, और वहीं अगर बात कर ले सेक्टर 128 सिटी से काफी दूर लोकेटेड है। तो कैंपस एरिया में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर कैंपस एरिया की बात कर ले तो सेक्टर 62 कैंपस 15.5 लगभग 15.5 एकड़ अगेन छोटा कैंपस एरिया हमें देखने को मिलता है, और सेक्टर 128 6.42 एकर्स का हमें देखने को मिल जाता है। दोनों ही कैंपस में हमें काफी सारी फैसिलिटीज काफी टॉप नॉच प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन अगेन 62 थोड़ा सा यहाँ पर बाजी मार जाता है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो सेम प्लेसमेंट्स होते हैं, फैकल्टी इनके सेम होते हैं, सिलेबस सेम होते हैं, सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए सेक्टर 128 वालों को सेक्टर 62 के कैंपस में आना पड़ता है। इसी के साथ बात कर ले तो सेक्टर 62 के अपने कुछ फंक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं, सेक्टर 128 के अपने कुछ फंक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं। दोनों के ही कैंपस एरिया छोटा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का फी स्ट्रक्चर लिया जा रहा है तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जितनी दी जा सकती थी इस कैंपस एरिया में देने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कैंपस एरिया काफी छोटा पड़ जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ मेन स्ट्रीम जो हमारे पास मेन जो कुछ मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वही सारी चीजें लाइक क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में देखने को मिलता है, वरना बाकी सारे बहुत अगर डाइवर्स हो चुके हैं एथलेटिक्स के हिसाब से भी तो उतनी सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। तो एक तो हमारा यहाँ पर एथलेटिक्स या फिर स्पोर्ट्स में कहीं पीछे छूट जा रहा है जिस हिसाब से फी स्ट्रक्चर है। फिर अगर बात कर ले इवेंट्स एंड फंक्शन में, स्टूडेंट्स ने बताया कि काफी हमें लाइक इवेंट्स एंड फंक्शन आए हर कुछ दिनों पे, कुछ ना कुछ छोटे बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस बड़े तौर पर होना चाहिए वहां पर थोड़ी बहुत बोरिंग कभी कभार कुछ फील हो जाता है, यानी कि जिस प्रकार का हम फी स्ट्रक्चर दे रहे हैं उस हिसाब से जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है यहाँ पर इवेंट्स एंड फेस्ट। और फिर जो स्टूडेंट्स मतलब सोच रहे हैं कि मतलब ठीक है फी स्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर रहे, उनके लिए ठीक ठाक कुछ ना कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का हमने एक हवा बनाया कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इस लीग में आता है JIIT नोएडा, उस लेवल का इवेंट्स एंड फेस्ट स्टूडेंट्स ने बताया नहीं हो पा रहा है, और उस लेवल पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, वरना फिर आपको एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से इवेंट्स एंड फेस्ट भी ठीक ठाक मिलेंगे और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ बात कर ले आपको क्लासरूम्स बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, क्लासरूम्स वेल फर्निश्ड होंगे, ऑडिटोरियम काफी बड़े साइज का आपको देखने को मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें डेवलप की गई हैं, जो चीजें बनाई गई वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी टॉप नॉच आपको मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा कि हाँ जो फी स्ट्रक्चर लिया जा रहा है उस सबसे जस्टिफाइड है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन हॉस्टल में काम नहीं करता। कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार का हॉस्टल फैसिलिटी है और जिस प्रकार का मेस का क्वालिटी है उस हिसाब से कहीं ज्यादा हमसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आपको आसपास में आधे से मतलब इनके हॉस्टल प्लस मेस के आधे रेट पे कुछ ना कुछ पीजी रेंटेड रूम देखने को मिल जाएगा, तो स्टूडेंट्स वो भी प्रेफर करते हैं। और जो हॉस्टल्स मिलते भी हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो मेस का क्वालिटी स्टूडेंट्स ने काफी खराब बताया, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ने मेस का क्वालिटी बताया है। इसी के साथ हॉस्टल फैसिलिटीज में आपको 2 सीटर रूम देखने को मिलता है, एसी वगैरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि दिन में सिर्फ 5 घंटे एसी चलता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि रात के 9 से सुबह 5 बजे तक ही एसी चलता है, यानी कि जो भी कुछ हो एसी हर समय नहीं मिलेगा, सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में हमें देखने को मिलता है एयर कंडीशन वाले जो फैसिलिटीज हो गए। और वाईफाई के बारे में स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ 5 GB या कुछ ऐसा डेटा लिमिट है कि इससे ज्यादा आप डेली का यूज नहीं कर सकते, वरना स्टूडेंट्स ने कहा है कि मतलब ठीक ठाक फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओवर प्राइस हमें इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, बट एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से हमें पैकेजेस प्लेसमेंट्स में बेटर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट JIIT नोएडा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है।
Thank you for watching this video. Goodbye. Nice day. Wish you all the best for future. Enjoy the journey.